हेलो एवरीवन, इस टाइम मैं जोहर टाउन ब्लॉक एम में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस टाइम बैंक अल्फला जोहर टाउन ब्रांच है, और मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए, ये इस टाइम सिचुएशन, दिस इज ब्लॉक एम जोहर टाउन। ये गंदगी और ये पानी है, और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो मोहम्मद अली जोहर टाउन से, अब ये इस इलाके का नाम गंदे पानी का जोहर टाउन रख देना चाहिए। लेकिन अब आप मुझे बताएं कि एहतजाज के तौर पे क्या मैं ये गंदा पानी जाके चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर फेंकना शुरू कर दूं, उस बार गुजार के घर के अंदर फेंकना शुरू कर दूं? ये किस किस्म का एहतजाज होगा? दिस इज़ नॉट द वे टू प्रोटेस्ट। और जहाँ तक बात है फिक्सिट वाले की, वो भाई साहब ने पहले गटर के ढक्कन के ऊपर गवर्नर और सीएम की तस्वीरें बनाना शुरू की 2013 में, आम शहरी के अतबार से कि जी मेरा तो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, और फिर वो पीटीआई के एमएनए बन गए। और अब उन्होंने गवर्नर की तस्वीर बनानी छोड़ दिया गटरों के ऊपर, क्योंकि अब उनका गवर्नर खुद था और उनको पता चल गया कि गवर्नर का काम ही नहीं है सफाई करना। लेकिन अभी तक उनको शायद ये नहीं पता चला कि सीएम का काम भी नहीं है सफाई करना, क्योंकि अभी तक वो उनकी जमात का नहीं है। और क्योंकि कराची के अंदर जिस तरह लाहौर में वासा है, कराची के अंदर केएमसी है जो सफाई करती है, वो मेयर के अंडर, और मेयर जो है वो वसीम अख्तर है जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, वो उनके इतिहादी हैं। इसलिए इस बेशरम आदमी को जिसका नाम आलमगीर खान है, इसको जितनी मार पड़ी है कम है, इसको मज़ीद पढ़नी चाहिए और आगे और पड़ेगी। आए और सफाई करे, और ये एक दफ़ा फिर ज़रा लाहौर का और उस्मान बाज़ार की गवर्नेंस देखते चलें। शुक्रिया।